मन से कर रहा हूँ कि मुझे कॉम्पी खेलना है। आई विल कंटिन्यू प्लेइंग। बैक टू पोचिन की गाइड्स, समझ जाओ अब। फर्स्ट यू आर हियर फॉर द लाइन ऑफ वीडियो। अरे 8 तारीख को टूर्नामेंट है पहला, तो आ ही जाएगा लाइन अप, डोंट वरी। सबको पता है भाई, कहीं ना कहीं वो लाइन अप है। अब उसकी हाइप बना के कोई मतलब नहीं है भाई। TSM वालों ने एंटिटी को रिलीज करके STH जैसी टीम क्यों ली दे? टीम XTSM की तरफ जाओगे तो उनके ऊपर एक रश आने वाला है, नाम रहेगा इनसेन का, क्योंकि इन्होंने ना 2 से ज्यादा प्लेयर्स को मिड रेंज में नॉक कर दिया। तीनों किल भाई के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है, 4-4 प्लेयर्स को यहाँ पर नॉक एंड फिनिश करना पड़ेगा। एक नॉक ऑलरेडी कर चुके, विली बी एबल टू गेट द क्लस्टर, देखने वाली जो मर रहा है आगे सबको फिनिश ऑफ करने के लिए। एक ही प्लेयर वहां पर बच जाएगा, ले लीजिए 1v4 मैं बोल नहीं सकता कौन, बट 0 kill भाई। मैं नहीं खेल रहा की कॉर्डन की टीम कौन सी खेलेगा। देखो गाइस, अभी उसने डिसाइड तो नहीं करा, पर जो हो सकता है कि ओल्ड लाइनअप खेल सकती है, स्मोकी वगैरह मैं भी खेल सकता हूँ, बट मेरे पे एंड्रॉइड नहीं है, तो शायद मेरे को या तो बूट कैम जाना पड़े या फिर अमर भाई इधर आएंगे, उनसे बात करिए मैंने, तो नई वाली क्या बोलते पुरानी वाली लाइनअप खेल सकती है स्ट्रीम में बैठे। ठीक करते ए, ए, ओ, अरे आपको भाई, देखो भाई कौन है, मिस्टर गोल्ड इज हियर बॉयज। ये कौन सा सरप्राइज मिल गया मेरे को, ये कौन सा सरप्राइज मिल गया बॉयज, ये तो मेरे को भी नहीं मिला। For sure here for the lineup video. No bro, I'm not here for the lineup video mere bhai. I'm here for my content. Main yahan baith ke kaam karunga isliye. Jo mujhe karna hai is baar, theek hai? Don't worry. Aisa nahi hai ki main kisi ke pressure mein aake kar raha hu, kisi ke sun ke kar raha hu. Main apne man se kar raha hu ki mujhe compi khelna hai. I'll continue playing. Boom bam. For Mortal exclamation vote for Mortal. Thank you Kunalem. देखो अच्छा चिकी थी, अभी मेरे को मालूम था लाइनअप, सब लाइनअप करेंगे। लाइनअप का ऐसा सीन है कि देखो आप लोगों को पता ही है लाइनअप, ठीक है, बट वेट फॉर द अनाउंसमेंट, दैट्स इट। एक दो दिन में आ जाएगा वीडियो, द वीडियो इज ऑलमोस्ट रेडी, आ जाएगा, ठीक है। आपको पता ही है लाइनअप, अब तो हम देखो इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, एंड इसमें कुछ ये नहीं है, एवरी वन नोज नाउ, तो डोंट वरी, ठीक है, आपको पता ही है लाइनअप भाई, ठीक है। Yes, you guys know the lineup. बस हम लोग की तरफ से एक वीडियो का वेट करिए आप लोग, ठीक है, वो वीडियो आएगा, मजा आएगा, ओके okay? कब यार, अरे 8 तारीख को टूर्नामेंट है पहला, तो आ ही जाएगा लाइनअप, डोंट वरी। पार्टी में सोल का नया लाइनअप दिखेगा, आराध्य जोरी जी, यस, एंड दैट विल बी द फर्स्ट टाइम जो लाइनअप होगा वो पहली बार खेलेगा, इट मीन्स इट विल बी द स्टार्ट ऑफ दैट जर्नी फॉर दैट पर्टिकुलर लाइनअप। अब तक उस लाइनअप ने साथ में नहीं खेला है, ये भी बता दूं आपको, मतलब अच्छे से, समझ रहे हो ब्रो। एंड्रॉइड ले ले क्रॉन्टन से। अरे नहीं भाई, एंड्रॉइड क्यों चाहिए, अपने को स्ट्रीम ही तो करना है यार, स्ट्रीम तो इस पर ही कर सकते हैं ना, अभी तो गेम आएगा कल, अपने को इतनी जल्दी नहीं है खेला ना, हमें स्ट्रीमर बैटल खेलना है जो अपने को एंड्रॉइड पर प्रैक्टिस करनी है। क्रॉन्टन के साथ कौन खेलेगा स्ट्रीमर बैटल, देखते हैं यार, जिन पर एंड्रॉइड होगा वो खेल लेंगे। वो वारमेनियर का ऑनर कितना हाइप क्रिएट करता है, वो जो बोलता है वो गलत होता है।
ओ भाई साहब, तो तुम सुनने क्यों जाते हो भाई? आयो इसका भाई काट लिया, बहुत गंदा काटा है पीछे हो। और कोई कटवा रहा है भाई? ठीक है भाई, सो ऐसा हो गया गाइस कि आया इसके लिए तो अब गेम लेट ही आना है, क्योंकि स्ट्रीमर्स बैटल भी हो रहा है एंड्रॉयड पे, समझ रहे हो? स्ट्रीमर्स बैटल हो रहा है एंड्रॉयड पे, तो आ जाने के चांस थे, आज आया नहीं। अब कल तो आ ही नहीं रहा, कल 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 साथ है ना, कल मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रीमर्स बैटल है, 3 दिन चलेगा वो, और फिर कल है प्रोबेबली। हाँ 3 दिन का इतना पता है, आई एम नॉट श्योर 7 या 8 को स्टार्ट होगा। किस ऑग से ऑफर आया था ऐसे नहीं बता सकता। अरे गाइस हाँ, मैं थोड़ा टीएसएम का लाइन बताओ, टीएसएम का लाइन आई डोंट नो एक्चुअली। फनाटिक एंड टीएसएम बोथ आर कमिंग, इवन क्लाउड नाइन इज ऑल्सो कमिंग, बट उसका अभी कुछ फिक्स डिसाइडेड नहीं है। सो या और क्या, टीम को देते हैं भाई। GXR इंडिया से जा रही है क्या? नहीं, GXR इंडिया की एक नई टीम आएगी आई गेस, मेरे को लगता है ऐसा होगा, बट लेट्स सी क्या होता है। देखो GXR में अभी ऐसा सीन है, अभी बहुत बहुत सीन से गाइस, बहुत सीन से गेम आएगा, उसके 2 वीक बाद तुमको बहुत चीज़ें समझ में आएगी, मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। स्मोकी फोर्थ प्लेयर लीक, स्मोकी फोर्थ प्लेयर मेरे को नहीं पढ़ता, बट मोस्ट प्रोबेबली दे आर गोइंग इन अ बिग ऑग, इंडिया का कम बैक है उस ऑग का भाई। TSM ST8 के नहीं, साथ नहीं जाएगी। शोटल भाई देखो अभी बहुत बड़ा सीन हो गया, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या होता है, मेरे को नहीं लगता जाएगी, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। करण मारवाल ने सो लाइनअप हिंट, भाई हिंट नहीं दे सकता मैं, वो लाइनअप ऑलरेडी रिवील्ड ही है, और लाइन हिंट 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 नहीं दे सकता उस चीज़ का, तुमको भी पता है और कहीं ना कहीं सबको पता है भाई, कहीं ना कहीं वो लाइनअप है। अब उसकी हाइप बना के कोई मतलब नहीं है, ठीक है? हिंट विंट नहीं है मेरे पास, तुमको लाइनअप पता है, और बार बार ये चीज़ पूछना बंद करो हर किसी को, ठीक है भाई? TSM वालों ने NTT को रिलीज करके ST8 जैसी टीम क्यों ली? देखो आर्यन भाई मैं आपको समझाता हूँ क्यों ली। जोनाथन की आस्किंग सैलरी होगी ऑलमोस्ट 2.5 से 3 लाख, ठीक है? और पूरी TSM टीम की सैलरी होगी ऑलमोस्ट 11 to 12 लाख, ठीक है? 11 to 12 लाख है अगर वो जोनाथन की टीम पे स्पेंड करे तो, ठीक है? उनका लेवल बहुत ऊपर है मैं समझता हूँ, बट देर उधर 9 महीने का एक बैन पीरियड आ गया है, उसके बाद TSM अगर 10 से 12 लाख एक टीम पे इन्वेस्ट करे, उनकी परफॉर्मेंस बैन के बाद कैसी जाएगी किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है? वी नो अच्छी जाएगी, बट वो एक ऑग है, उनको फाइनेंशियली खुद को देखना पड़ेगा। और ST8 को कितने मिल रहे होंगे? 2 लाख 3 लाख 3.5 मैक्स, ठीक है? पूरी टीम के 3.5, और एक साइड पूरे टीम के 12 लाख। अगर 6 महीने का ट्रायल भी रखो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली 6 महीने का ही होगा, तो 12 लाख के हिसाब से वो कितना जाता है, 1 करोड़ तक चला जाएगा 6 महीने का, और भी चीज़ें बहुत होती है बीच में। और इनका कितना जाएगा? 20 लाख 25 लाख मैक्स, तो 1/4 पैसों में अगर वो एक अंडरडॉग टीम को ट्राई दे रहे हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है भाई, वो फाइनेंशियली बहुत अच्छी मूव है, और TSM के पास हर टूर्नामेंट का इनवाइट तो है ही, तुम भी समझो ये चीज़। तो भले वो कैम करके भी जीत जाएंगे, पर वो जीत तो सकते हैं ना, तो फाइनेंशियली दिमाग लगाओ उस चीज में, वो बहुत अच्छी मूव है। स्ट्रीमर बैटल में कॉडल खेलेगा ऑब्वियसली, बैक टू पोचन की गाइड्स, समझ जाओ अब क्या होगी क्रॉन्टेन की टीम स्ट्रीमर बैटल में। स्पावर रहेगा गाइस टीम में, चलो मैं अभी बोलता हूँ, स्पावर गॉडलाइक में बना रहेगा एज अ CC, जहां तक खेलेगा एज वाइज तो वो खेलेगा, बट जहाँ पे एज का क्राइटेरिया लगता है, जहाँ यू कैन गेट अच्छा ऑस्कर अवार्ड, अरे दे दो यार, जहाँ तक एज का क्राइटेरिया लगता है ना, लाइक कि पेरेंट कंसर्न से खेल सकता है, वहाँ पे इस पावर के पापा उसका जो भी सर्टिफिकेट वगैरह बने के वो खेलेगा, बट जहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है उसका खेलना, वो टूर्नामेंट नहीं खेलेगा। ओल्ड लाइनअप बेस्ट थी, जो नई लाइनअप बनेगी, जो प्लेयर्स हम लेंगे एक एक करके, वो भी बेस्ट हो गए। रेगा एक बात बताओ, हाँ तुमने मेरे को पहली बार कब खेलते देखा था, मतलब पहली बार मैं तुम्हारी नजर में कब आया था? आईटी के टाइम याद नहीं है क्या? तुम तब क्या थे? वो हुआ था
क्लासिक प्लेयर। अरे नहीं फिर भी हाँ हाँ मैं कुछ भी नहीं करता मतलब ऐसा सोल क्लैन वो था ना बड़ा क्लैन था कॉम्पी का अलग और वो अलग तो मैं उस वाले सोल में था तो मतलब उस टाइम क्या क्या देखा आपने क्या क्या नजर में आया मैं आपके कि भाई एक टीम सोल को टारगेट कर रही है भाई अरे गंदा आदमी नहीं नहीं मेरा मेरा पर्सनली पूछ रहा हूं अरे वही आईजीएल का देखा था ना कि मतलब ऐसा दो सेकंड आए थे ना पीएमक्यू में हां तो थर्ड 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 या सेकंड कुछ हां थर्ड हां तो वही अरे मैं तो देखने आया था पीएमक्यू अच्छा मतलब पूरा एकदम मैं तुम्हें कभी अच्छा लगा खेलते हुए हां प्रिंस और तुम वो कैरी और तुम नहीं नहीं मतलब ऐसा पर्सनली अच्छा लगा कभी मैं खेलते आपको क्या मतलब मैं अच्छा लग रहा हूँ खेलते तो मैं भाई इतना फॉर्मल देख सुन मेरी बात सुन मैं बोला कैरियर दोनों अच्छे लगते हैं भाई मैं तो बात भी तो हुई हमारी कितनी कब एक बारी कॉल पे हुई थी मैं भूल गया बट आप मेरे को बताओ अभी आईटी मावी यस मुझको याद है अच्छा मतलब ओके मतलब आईटी मावी को जानते हो उसके बाद वाले मावी को आपने देखा नहीं वो वाले मावी साथ हम भी सोलो गए थे ना तो बिजी हो गए थे ओ गाइस तब फिर ये बड़े आदमी बन गए थे नहीं नहीं